एक सूर्य फ़ातिया पढ़ कर तमाम अमनी मुमिनाथ तमाम तमाम शहजा साज सईद सिप्त जाफ़र शहीद आर हसैसैन امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويؤلق ملوكا ويستخلف آخرين

लसी अमा बक़िल्लाजीन रूही वरवा तो रब मकदम वलानतल आला अल मजमी सुरहन रहीम रबराली सदरी वसलीमरी वहदतानी अफ् कौली अम्मा बदोफ़त कौल्ला तबार का वाल फ़ी किताबल वक़ुरानमजीद وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون صلوات ودعاء محمد अस्तारा ने सईद शब जुमा है शब ज़ 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 सलातम है और दो ये रातें बाकी हैं आशूरा तक बहुत मेहनत की आपने भी बहुत जहमत की बहुत तकलीफ़ें उठाईं इन चंद दिनों में हर शख़्स ने कोशिश की अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और शहीदा का पुरसा रसूल ख़ुदा को दिया जाए अयाम बहुत तेज़ी से गुज़र जाते हैं हर साल इंसान सोचता है ऐसे करेगा ऐसे कहेगा यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा लेकिन बहरहाल इंसान कमज़ोर है इंसान ज़ीफ़ है जितनी उसमें तोान है ताकत है बाज़ात वो उतना काम भी नहीं कर पाता असल हदफ़ मजलिस और आजादारी का यही है कि हम इस मुसीबत को याद करें मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है और उसके बाद इस मुसीबत के साथ साथ अपने आप को खुदा के करीब करें क्योंकि सैदुल शहदा करबला में खुदा वंद मताल की खातिर आए हैं ला 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 की खातिर यही हमारी चंद दिन बहरल गुप्त के ला 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 हसनी ख़ुद ख़ुदा ने जो है वो ये फ़रमाया कि ला 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 मेरा किला है जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से अमान में आ जाएगा लेकिन ज़ाहिर है इस क़िले में दाखिल होने की शराइ है हर कोई दाखिल नहीं हो सकता उन्हीं शराइत को समझने के लिए ये हुसैनी है जान महत्तरम कि हम ला, ए ला, ए ला, ला में कैसे दाखिल हूँ मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जहाँ दो तरह के दरख्त क़ुरान जिक्र कर रहा है एक शजर तयबा है एक शजर खबीसा है एक शहर तयब है बलदुल तयब है और एक बलदल्खबीस खूब ये दोनों वादियाँ जो कि एक मजबूत है हकीकी है और एक कमजोर है और बातिल है इसी तरह इस वादी तोहेद के लिए जाहिर है जब आप किसी तरफ जाना चाहते हैं तो कोई हो जो आपको हिदायत करे तो इन दोनों वादियों में भी दो हिदायतें हैं एक हिदायत जो है वो सिरात की तरफ है कामयाबी की तरफ है फलाह की तरफ है एक हिदायत गुमराही की तरफ है गुमराह करने के लिए दो क़ुरान ज़िक्र करता है कि हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा तो आपका इमाम कौन है आपका इमाम वादिय तोहद की तरफ लेके जा रहा है या आपका इमाम वादिय जलालत की तरफ़ लेके जा रहा है गुमराही की तरफ ले आयतल कुर्सी जब हम पढ़ते हैं क्या उसके अंदर पढ़ते हैं कि वो वैसे अलिया हैं कौन से कुफार के अलिया के जो इंसानों को नूर से लूमात की तरफ़ लेके जाते हैं और ऐसे हैं तभी तो कुरान जिक्र कर रहा है गुमराह करने वाले लोग हैं गाह करने वाले सिस्टम हैं गुमराह करने वाली आइडियोलॉजी हैं गुमराह करने वाले नज़रिए हैं तफक्रा हैं वो पूरी दुनिया भरी हुई है इससे लेकिन इन सब का जो जड़ है वो कहाँ है उसको हमने और आपने तहलील करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में देखें हम कहीं ख़ुदा था किसी मरल में गुमराही की तरफ तो नहीं जा रहे क्योंकि सूर्य आराफ की जब शुरू की अब आयात पढ़ते हैं जहाँ परवदगार ने हज़रत आदम का जिक्र किया कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम के लिए मलाइकों को कहा कि सजदा करो वहाँ पर जो है वो शैतान ने जो है वो अपने वजूद में जो उसके अंदर रखी हुई थी वो चीज़ बाहर आई और उसने यही कहा कि ये तो खाक से बना हुआ है और मैं नार से बना हुआ हूँ मैं आग से बना हूँ इसने अपनी खिलकत को अफजल समझा यहाँ पर मसला ये नहीं था कि सजदा ख़ाक को करना था यह सजदा हजरत आदम को करना था असल सजदा अमर इलाही था शैतान ने अमर इलाही को अंजाम नहीं दिया अब इंसान बोले कि बस मैं अपने आप को खुदा न खास्त किसी मकाम पे ले जाऊँ किसी जगह ले जाऊँ जैसे आज माशरा कहाँ पहुँच गया आज माशरा अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा दुनिया अपने आप को दावा करती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास इंटेलेक्ट हमारे पास है तो वहाँ पर इंसान कहता है ख़ूब ये मसलन फ़लाने काम में इस्लाम कहता है गवाहों की ज़रूरत है तो इतने गवाहों की क्या ज़रूरत है फ़लाने टाइम पर मतलब ये कैसे करें खूब आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान गुमराही की तरफ़ जाना शुरू कर देता है तो कद ये, ये, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं सोसाइटी में ये जहन में कैसे आता है जैसे आज एक माशरा कहता है ख़ूब हिजाब की क्या जरूरत है खातून को तो कैद कर दिया है पुराने ज़माने में ख़वातीन थी इस्लाम का दौर था अभी तो ज़रूरत नहीं है या नमाज या इबादतों में या बहुत सारे और अहकाम हैं उसके अंदर लोग जो है वो जो एक तबका है वो आपके ऊपर इश्काल करता है और फिर दीन की जो शक्ल हमने माशरे में जो बनाई हुई है उसकी हालत भी ऐसी है कि लोग दीन से भागना शुरू कर देते हैं तो ये सिस्टम अभी का नहीं है ये उसी वक्त शैतान ने कह दिया था कि परोदेगार ने जब इसने कहा कि मैं आग से बना हुआ मैं खा मेरा मैं नू नार है मेरे अंदर और ये तो खुदा ने कहा कि तुम निकल जाओ मेरी बारगाह से धुतकार दिया उसको रान दिया उसको निकाल दिया तो उसने वहाँ कहा कि मुझे मौका दिया जाए उस रोज़ तक जो योम मालूम है मैं इनको गुमराह करूँगा खुद शैतान कह रहा है कुरान की अल्लाह ने शैतान की गुफ्तु को कुरान में डाला वह आराफ की आप एक से बीस के दरमियान में आयात पढ़ें उसी के अंदर परवदगार ने शैतान ने खुद कहा है मैं इनके आगे से भी आऊँगा इनको पीछे से इनके दाएं से इनके बाएं से मैं हर तरफ से इनको गुमराह करूंगा और इनमें से बहुत थोड़े लोग होंगे जो शिक्र करेंगे और शैतान अपनी स्ट्रैटी को प्लानिंग को पहले दिन दे रहा है खुदा की बार में और उसके बाद ये सिलसिला आपके सामने है दो वादियाँ खुल गईं वादी तोहीद है वादी जलालत और गुमराही है हर दौर में दोनों की तरफ बुलाने वाले मौजूद हैं कोई इस तरफ दावत दे रहा है कोई उस तरफ दावत और यह सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन जो हिदायत की तरफ इमाम बुलाता है उस इमाम का जो मामून के साथ रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है यानी इमाम आप जानते हैं जो नमाज पढ़ाता है उसको भी इमाम कहते हैं नमाज जमात जो पढ़ाता है इसलिए क्या कहते हैं मामून कौन होता है जो पीछे नमाज पढ़ रहा होता है क्या कहते हैं कि मामून को इमाम की क्या करनी चाहिए इब्तः करनी चाहिए अभी मौलाना साहब ने अल्लाह अकबर कहा और अभी सूरत पढ़ें और आप रुकू में चले जाएँ तो क्या आप इमाम की इमामत के पीछे हैं या नहीं हैं नहीं हैं आप रता होना इम्पोर्टेंट है ये रवाबित किस पर कायम है यहां आपको अपने इमाम से आगे नहीं भागना आपको पता है मैं आगे चला गया मेरी जमाती नहीं होनी इसी तरह जो हकीकी इमाम है जो हिदायत के लिए लेकर आया है उसका और उसके मानने वालों का राबता एहसान का राबता है बगैर लालच का राबता है जो लोग भी अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे के पीछे चलते हैं उन्हें लालच नहीं है कि हमें कुछ पोस्ट मिलेगी हमें कोई जगह मिलेगी हत्या माल गनीमत मिलेगा नहीं मिलेगा मौला मुत्यान जब जंगों के बाद घर आते थे तो तलवार से खून टपक रहा होता था दुनिया माल गनीमत ले लेते थे हजरत अली जब घर पर आए तो बीवी पूछनी थी अली आप क्या लेकर आए तो मौला क्या फरमाते थे मैं अल्लाह की रज़ा लेकर आया हूँ वो तो ये जब इमाम ऐसा हो तो उसके मानने वाले को क्या चाहिए वही जो इमाम कर रहा है और ये राबता तभी है कि जब आप अपने वजूद को देंगे और जो इमाम के लिए अपने आप को तैयार करता है वही वादिय तोहेद पर है वादिय तोहद का मैंने पहले भी आपके सामने तकाजे हैं ये तकाजे आपको पूरे करने पड़ेंगे कुरान कह रहा है कि ये अपने माल अपनी जान हर चीजों से इन्फाक करते हैं और इन्फाक करने में और देने में दरेग नहीं करते कुरान जब फतेह मक्का की गुफ्तगु कर रहा है तो आपके सामने बहुत सारे लोग फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए बहुत सारे लोग फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए लेकिन जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनके और जो पहले मुसलमान हुए जिन्होंने पहले अपना सब कुछ दिया दोनों के दर्जात में फ़र्क है ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने उस हालत में जब उनको कहा गया उन्होंने दे दिया ये देख कर हुए लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा ने खैर उनको नहीं दी है नहीं खुदा की खैर सब के लिए खुली हुई है उनके लिए भी खुली हुई है इनके लिए भी खुली हुई है लेकिन वो असाब रसूल खुदा के वो अनसार मदीना के कि जब रसूल खुदा दाखिल हुए मदीना में और आपके सामने उस ज़माने में हालात कैसे थे महाजरीन अपना सब कुछ छोड़ के आए हुए थे तो रसूल खुदा ने क्या कहा हर शख्स अपने माल को आधा करते जिसका एक कमरा है उसको दो हिस्से कर दे जिसके दो हैं वो एक कर दे अपने घरों को लोगों ने आधा आधा कर दिया ये क्या था यानी जहां इमाम ने कहा वहां फौरन तैयार हो गए सोचा नहीं कि हमें क्या मिलेगा या रसूल मतलब हमें क्या मिलेगा हमने तो आपको बुलाया है दुनिया तो ऐसी है ना दुनिया ताल्लुकात या रिलेशनशिप में कुछ चाहती है मैं फलाने से मिलूं या मैं फलाने के बाद जाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा मुझे दुनिया इतनी मटलिस्टिक हो गई है कि अपने खून के रिश्तों से भी दुनियावी तकाजे चाहती है तो ये दुनिया ऐसी हो गई है वो मादा खतरनाक है हम इतनी बारीकी से दूसरी वादी की तरफ जा रहे हैं हमें अंदाजा नहीं है लेकिन वहां अनसार ने अपना सब कुछ दे दिया तो हकीकत है हम बयान नहीं करते इन बातों को कि किस तरह जो है वो जमाने के लोगों ने अपनी जानों को रसूल पर निछावर किया है हम चंद लोगों की खातर जो है वो कई लोगों की मेहनत जो है वो पानी में भेड़ देते हैं जाने मोहतरम वो अलग बात है जब तक रसूल थे जब तक कैफियत जो उन्होंने की की लेकिन जब रसूल चले गए उसके बाद ज़ाहिर सिनेरियो चेंज हो गया कहानी भी चेंज हो गई अब मैार मिलाक हक्का कोई और है उस वक्त रसूल थे जो रसूल के साथ थे सर आंखों पर लेकिन जब रसूल चले गए उसके बाद रसूल ने मैार कोई और दे दिया अब इस मैार के साथ कौन है वो भी सर आंखों पर मैार कुछ और हो गया ना मैार वही है वही मगर क्यों क्योंकि आस्ता आहिस्ता वजूद में दुनिया आती गई जब दुनिया आ जाए तो फिर इंसान सबसे पहले मफाद परस्त हो जाता है और जो दूसरा इमाम है ना जो गुमराही की तरफ लेके जाता है वो अहले तफाखुर है वो तफाखर करता है यानी अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर देता है कुरान बाद आयात बयान कर रहा है काफिरों के लिए कि हती ये बारिश जब होती है तो उसमें भी ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं जबकि मोमिन कहता रहमत परमार है अभी ये है आगे कोई और मौसम होगा तो वहां तफाखुर है ये तफाखुर करना अपने ऊपर फखर करना अपने आप को कुछ समझना आज दुनिया आपके सामने इसी वहम गुमान में खड़ी हुई है अपने ऊपर फखर करते हैं अपने ऊपर किब्र आ जाता है ये सब शैतान की तरफ से इंसर्ट होता है और जब ये इंसान के वजूद में ये चीजें आ जाएं तो इंसान एक वहम में जिंदगी गुजारता है कि हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती आपके सामने दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर कितने अरसे तक कि ये समझती रहीं कि दुनिया हमारे बगैर चल ही नहीं सकती है मगर कहाँ गए अभी क्या है अभी और कैसे होगा अभी सब कुछ भी नहीं है दुनिया का बैंक समझता है कि जो मेरे पास पैसा है बस यही मेरा तखयल है पूरी दुनिया में इसी से चलाऊंगा। ना अभी ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है दुनिया के अंदर बहुत तेजी से हो रहा है सब जो खोखले महल हैं वो गिरते जा रहे हैं खूब हकीकत क्योंकि ये टाइमली है ये खोखला है ये सब जिसका मैार जिसकी बेस तौहीद पे नहीं है ये सब इमारतें गिर जाएंगी ये जाने तरह। मगर कुरान बार बार आपको फिर शात नमरूद का जिक्र क्यों कर रहा है क्यों क्योंकि खोखले थे ये सब कितनी बड़ी ताकतें थी अरब के अंदर कितने बड़े बादशाह थे रसूल खुदा के मुकाबले में कहा गए मजाक है अपनी हादियों को भेजा अपना बनाया है मतलब ऐसी होगा क्या लेकिन हम जो टाइम जोन में होते हैं ना वो गफलत में आ जाते हैं जैसे कूफा वाले लोग अल्लाह का वली आ रहा है अल्लाह का वली इशारा करे तो कायनात जो है वो अपने खजानों को उमट दे मगर इमाम हुसैन को पानी की कमी थी क्या मतलब उनकी नस्ल में से हजरत इस्माइल की जिन्होंने एड़ियाँ रगड़ी और पानी निकलाया उसे पानी की कमी हो सकती है नहीं है जैन ख़ुदा ने बशरीत के लिबादे में इम्तहान लिया आजमाइश ली आजमाइश सैद चौदह से ज्यादा लोगों की थी लोग आजमाए जा रहे थे कि कौन इनके साथ रहेगा क्योंकि तो इमाम है ना जब इमाम हिदायत का आएगा तो आपको आजमाइश तो देनी पड़ेगी कीमत तो देनी पड़ेगी अभी बाज़ों का जवान के जहन में ख़्याल आता है ये अल्लाह ने दुनिया क्यों ऐसी बना दी आसान सी बनाता मुश्किल होती नहीं कोई टेंशन ही ना होती गुनाह ना होता या आँखें ही ना होती ना गुनाह करते क्या करते फिर अल्लाह ने तो नेमतों को देखने के लिए तुम्हारी आँखें बनाई थी अब अगर तुमने दुनिया ऐसी बना ली जिसमें गुनाह ज़्यादा नज़र आता है तो उसमें अल्लाह क्या क्या है अल्लाह ने तो हर चीज को हदूद के साथ लेना है लेकिन ज़ाहिर है वो दूसरा इमाम जो जलालत की तरफ है वो हमेशा हर जगह अपना काम करेगा वो हमें इसी तरह अपने आप को उससे दूर करना है और वो हर दौर में आएगा और हर जमाने में उसका काम ही यही है इसीलिए आप देखें कि ये आजमाइश ये मुसीबत ये आसान नहीं है इसमें जो आता है उसको अपने वजूद को देना पड़ता है यानी अगर आपने जरा सा भी अपने ऊपर तवज्जो दी आप गिर जाएंगे दोबारा आपकी बारी नहीं आएगी वो ये कारवान इसी तरह चल रहा है तोहीद इंसान से खुदा की बारगाह में पूरे वजूद के साथ झुकना मांगती है पूरे वजूद से उसकी बारगाह में झुक जाओ उसकी बारगाह में चूँच नहीं है हाँ जब तक तोहद समझ में नहीं आती जब तक खुदा को तुम तुम्हें खुदा को कबूल नहीं किया ढूंढ रहे हो और वाक हक के साथ ढूंढ रहे हो तो आ रिवायात यही कहती हैं जो शख्स खुदा की तलाश में हो और मर जाए खुदा उससे हक पे महसूर करता है लेकिन अगर तासब की वजह से ज़िद की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से खुदा से दूर हो रहे हो तो बस फिर उसके बाद तैयार रहो खुदा कुरान में जो गुफ्तु कर रहा है हमारे यहाँ आज लोग कहते हैं कि मसलन ऐसा नहीं होगा वैसे ऐसा नहीं है तीस परसेंट कुरान आखरत को जिक्र कर रहा है आखरत की मार्केटिंग कर रहा है आप कुरान को पढ़ें थोड़ी कुछ देर के बाद जहन्नम या जन्नत की आयतें आना शुरू हो जाती हैं एक शख्स बद्दू था अरब था रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल रसोल ख़ुदा की खिदमत में आया भैया रसोल्ला मैं इस्लाम सीखना चाहता हूँ उन्होंने एक कहा कि इसको कुरान सिखाओ क़ुरान पढ़ाओ उसने कुरान की कुछ आयतें बढ़ीं कुछ आयतें जिनका ताल्लुक़ आख़रत से था वो चंद आयतें थे पढ़ी उसने कहा बस काफ़ी है मेरे लिए उठा और चला गया सबी ने कहा यार रसुल्ला इसको तो अभी चंद आयतें थे इसने पढ़ी है और ये कह रहा है मैं समझ गया सब कुछ तो कहाँ हाँ जो उसने समझना था उसको समझ आ गया और बाद अकात हम पढ़ते रहते हैं मगर हमें समझ में उसकी वजह जान मोहतरम इंसान अपने बातिन को साफ नहीं कर रहा लेयर्स ये कंटिन्यू लेयर्स हैं इंसान मरीज हो जाए और कोई भी बीमारी हो खास तौर पर अगर इंसान बुखार है या कोई ऐसी चीज़ है टेम्परेचर है सबसे पहले उसकी ज़बान से उसका जायका छिन जाता है बेहतरीन खाने आपके सामने रखे हों ना आपका दिल चाहेगा और अगर आप खा भी लें तो कोई जायका ट्रांसफ़र नहीं होगा हुआ क्या જરાસા બોડી ને ટેમ્પરેચર અપના ચેન્જ કે રૂ અગર ખરાબ હો જાય તો ભિરસે ભી કુરાન કી તિલાવત મેં લઝ્ઝત નહીં હલ્તે પર ઉસે સજદે તુલانی لمبے لمبے સજદે નહીં હૈ આયદુલ્લા ગાઝી દવાત ભાઈ રઝવાનુલ્લા તહલાલ કે شاگرد કહેતા હે કે મેં ઉસ્તાદ કે પાસ સવાલ પૂછને ગયા मैंने देखा सजदे में मैं खड़ा रहा खड़ा रहा उजरे के बाहर खड़ा रहा खड़ा रहा काफ़ी देर हो गई सर सजदे से नहीं उठा मैं वापस चला गया हमारे यहाँ तो भी नमाज ख़त्म होती नहीं है मौलाना साहब ने अल्लाह अकबर जो जो लोग बहरहाल जिनको तोफीक होती है जमात से पढ़ने की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा सजदा तो दूर की बात तस्वीर भी दूर की बात सबसे पहले मोबाइल बाहर आता है व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया कोई क्योंकि नमाज में हिल रहा था थोड़ा सा कि इंसान कितना ज़ईफ़ हो गया है हकीकी राप्ता तो उसे पता ही नहीं है ना कि है भी या कोई नहीं है इंसान जब वाह देखिए हर वक्त तो मुझे भी पता है कि हम हर वक्त इस हालत में नहीं रह सकते ये जो कैफियत होती है हम अपने असतीत की खिदमत में जाते हैं कि कभी कभी तो क्या बात है क्या नमाजें हैं कभी नहीं होती खबर ये कैफियत ज़ाहिर है फितरी फितरत है नेचुरल है हम हर वक्त इस हालत में रहें तो हमने अपने ओलिया को अपने उसत को देखा है जान महतरम यानी वाकन जिस मकाम पर वो हैं ये उनका बड़ापन है कि वो उस हालत में हमसे सलाम कर लेते हैं क्योंकि अपने आप को नीचे ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर वक्त उस हालत में हम तो कहाँ उनको देखेंगे अल्लाह के वली भी ऐसे ही थे मौलया कायनत मौलया अमीर जहाँ रात को इतनी इबादतें हैं इस तरह के सजते हैं इस तरह के गिरिए हैं मगर सुबह चेहरे पर खंदे पर मुस्कुराहट है कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे रातों को और हमारे अगर कोई थोड़ी सी ज़्यादा इबादत कर ले तो वो झुकना शुरू हो जाता है वो बात करना छोड़ देता है नॉर्मल जिंदगी गुजारें अपने रबते और ख़ुदा के रबते को मख्फी रखें लोगों में ज़ाहिर नहीं होने खुदा रात को तद की जब नमाज पढ़ते थे तो अपने घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करते थे या लड़के बात पढ़ते हुए जा रहे हैं दूसरे को टांगे मारते हुए जा रहे हैं। तो पता चले कि नमाज शब पढ़ने जा रहे हैं भाई तुम भी तो जाना होता है। ये रहा मखफी है ये जितना मखफी है उतना इस रे में गहरापन है ये रहा मोहताज नहीं है मतलब आप खलवत लें तो आपका डायरेक्ट नहीं कभी भी जिंदगी में कोई हादसा देखा कोई चीज देखी कोई इबरत देखी को गलती देखी कोई गुनाह देखा कर रोए खुदा तूने तो इंसान को कैसा बनाया कितनी हिदायत का निजाम किया मगर हम लोग क्या कर रहे हैं आज माशरा आपके सामने किस नहज पे चला गया है जान मोहतरम यानी हम अगर मुसलमान नहीं है तो इंसान तो है कम अज कम इंसान इस्लाम असल में इंसानियत का दर्स है इस्लाम फितरी है इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान की नेचर से बाहर हो क्योंकि दीन भेजने वाला हकीम है उससे ज्यादा कोई इल्म नहीं रखता इस जान वो तुम याद रखिएगा ये जो आज दुनिया अपने आप को बड़ा इल्म कहती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे सारे इल्म तुम्हारा इल्म है क्या इंसान लगा हुआ है इंसान को पैदा कर ले चीजों को पैदा कर ले सारी चीजों को कर ले सर नहीं कर सकता इंसान इंसान कबर के हालात तो एक्सट्रैक्ट कर नहीं पा रहा होता इंसान बहुत ज़ैफ है बेहतर यही है कि अपनी जिंदगी में उस खालिख को पहचान ले इसलिए यार और खास तौर पे माशाला आप जवान हैं अपने इमाम को पहचाने जब इमाम की तरफ इंसान बढ़ता है तब आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस वादी जलालत को छोड़ना शुरू कर देता है आप यकीन करें दुनिया की जिंदगी बहुत टेम्प्रेरी है आप अगर मुसीबत मुश्किल मिसाल के तौर तो पर आप यहां से चारे फैसल जा रहे हैं दरमियान में पानी है खड्डा है गड़े हैं कितनी देर फंसेंगे आप आधा घंटा एक घंटा एक दिन फंस जाए आखिरकार आप निकल जाएंगे मगर मरने के बाद अगर फंस गए वहां बहुत मुश्किल है आसान नहीं। खुद आयमा अलहसैन फरमाते हैं कि तुम हम तुम्हारी आखिरत में शफात करेंगे तुम आला में बरजख की अपनी तैयारी खुद करो लेकिन क्या करें इमाम हुसैन कितने करीम हैं ये खातून बताती हैं कि जिनको लाइफ आफ्टर डेथ का तजुर्बा हुआ मौत मरने से पहले मौत के तजुर्बात होते हैं इंसान कोमा में चला जाता कहता है कहते हैं मैंने अपने आप को आलम बरजख में देखा मैंने देखा मेरे पीछे भेड़िए लगे हुए हैं सामने दीवार है कोई जगह फरार की नहीं है फरार नहीं है वहाँ पर कहा उस वक्त मेरे वजूद से वो लफ्ज़ निकला जो जिंदगी में निकलता था कहा क्या कहा या हुसैन कहा जैसे ही मैंने या हुसैन कहा दीवार से एक हाथ आया और मुझे लेकर बाहर निकल गया अब यह इमाम हुसैन का अपना करम है जान मोहतरम के वो उस वादी में आए और उस वादी में हमें बचा ले। लेकिन वो तभी होगा जब यहां रहा इमाम हुसैन से खुलूस के साथ होगा जो हक के इमाम की तरफ बढ़ता है वह खुलूस के साथ बढ़ता है उसको उसको लालच हिरस नहीं है जाने उसको को जितने लोग करबला में सईद शालाम के पास आए उनको पोच नहीं चाहिए थी उनको डेजिग्नेशन नहीं चाहिए थी बल्कि हर कोई चाहता था कि मैं सबसे पहले अपने आप को कुर्बान कर दूँ अपना माल जो था वो छोड़ा है जानी थी उनके पास ये करबला सिखा रही है कि अगर वादी तोहिद में आना है तो फिर अपना सब कुछ तैयार रखो और फिर इंतजार नहीं करो और फिर अपने वजूद से इमाम की तरफ बढ़ो इमाम की तरफ खर्च करो अपने माल को अपनी औलाद को लेकिन आज हम दुनिया के खातिर बुरा नहीं है आप जाहिरी दुनिया को अपना बेहतर बेहतर करना अलग बात है लेकिन दुनिया में डूब जाना अलग है हमारी जिंदगी की पूरी प्लानिंग के अंदर इमाम कहाँ है बच्चा बड़ा हो जाएगा डिग्री ले लेगा एजुकेशन ले लेगा जॉब ले ले कर लेगा सही है घर बना लेगा मगर यहाँ पूरी उसकी ज़िंदगी में क्या हमने उसको ये सिखाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी का हर कदम इमाम की तरफ बढ़ाना कहीं गुमराह ना हो जाना कहीं ऐसे ना हो जाना कि किसी लम्हे में अगर इमाम की आवाज़ आए और तुम्हें आवाज़ ना आए वो ये तरबियत आज हम दे रहा हूँ करबला यही तो है करबला की माएँ अपने बच्चों को तैयार करके किस लिए थीं कि जब तुम्हारे मौला इससे पहले कि वो तुम्हें कहें कि तुम आओ तुम खुद पहले पहुंचे हुए हो यही तो कमाल है करबला में किसी को यानी इमाम ने जब हल में कहा है तो उस वक्त तो सिर्फ वो अली असगर थे बस उसके अलावा तो कोई भी नहीं था यहाँ हम अपनी जिंदगी में जान मोहतरम जवान तोहद को ज्यादा मजबूत कर देता आप जवान जो है वह कौम का सुतून है जवान अपनी कौम को आगे लेके चल सकता है अगर आज हमने अपने जवानों की तरबियत नहीं की तो हमारे पास कुछ नहीं है और इमाम जमाना को जवान चाहिए ये जवान जिसका कल जो है वो पाख हो पाख जिसे कुछ में खुद खुदा मलाइका से कहता है कि मलायका गवाह रहना कि जब कोई बंदा मेरा इबादत में रात को खड़ा होता है और नींद की वजह से उसकी थोड़ी उसके सीने से लगे तो गवाह रहना मैंने इसकी तमाम आरजुओं को पूरा कर दिया वाह खूब यहाँ आपको डिसाइड करना है दुनिया और दुनिया में भी अगर मकाम चाहिए तो इमाम के साथ है इमाम के बगैर कोई मकाम नहीं है मगर इमाम के मुकाबले में जो करबला में थे उनके पास जितने भी मकान मकाम थे क्या वो मकाम आपके सामने मकाम है क्या वो पोस्टें आपके सामने पोस्टें हैं क्या उम्र अपने साथ को ल को क्या शर रे की हकूत मिल गई मिल भी जाती तो क्या उसकी कीमत थी क्या उसकी औकात थी क्या आज हम अपनी जिंदगी के डेजिग्नेशन पोस्ट इमाम के मुकाबले में बेचने को तैयार हैं? और अगर ये लज्जतें और यही तो हो रहा है आज हो क्या रहा है पूरी दुनिया में यही हो रहा है माशरे में यही हो रहा है कि इंसान अपने नफ्स को बेच रहा है इंसान अपनी इज्जतों को बेच रहा है इंसान अपने दीन को बेच रहा है दीन तो सीधो तो खुद फरमाते हैं ना दीन तो तुम्हारे दहान में रखा हुआ निवाले की तरह है जब तुम्हारा दिल चाहता है निकल लेते हो जो भी कोई हुक्मरान बनता है जो भी किसी बड़ी पोस्ट पे आता है सबसे पहली चीज जो वो बेचता है वो दीन है कहा दीन है हमारे पास दीन तो इंसानियत की बका के लिए आया है क्या आज हम माशरे को बका दे पा रहे हैं किस इमाम पर गिरिया करते हैं जने मोहतरम कि जिसने अपना सब कुछ ला, एला एला ला की खातिर लुटा दिया वो हम अपनी ज़िंदगी को आगे की तफ़ाखर ये दुनिया जो हमारे जहनों में क्रिएट कर रही है ये वहम है ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं है और शैतान यही कहेगा आखिर में शैतान को जब आप शैतान के साथ जब एक तबका जाएगा शैतान इनकार कर देगा मैंने तो इन्हें नहीं कहा था मेरी तरफ आए मैं तो सिर्फ इनको वस वसे डाले थे मैंने तो नहीं कहा था तो यहाँ वाद ये तोहेद बहुत तकाज़े कर रही है वो इंसान बंदगी और इबादत की तरफ ये प्रैक्टिकल तोहैद उसकी ज़िंदगी से बाहर आनी चाहिए अपने वजूद पर तोहद को तारी करें, ला ला इल्ला इल्ला सिर्फ आपकी ज़बान पर ना हो ला ला इल्ला इल्ला आपकी आंखों में भी हो ला ला इल्ला इल्ला आपके जहन में भी हो आपके जहन में आने वाले ख्याल भी ऐसे हों अगर कोई गलत ख्याल आना चाहे तो ला ला उसे फेंक दे उसे रोक दे उसे दूर करे अपने ख्याल को भी नजिस ना होने दे क्योंकि अगर आपने खुदा ना ख़ासता इसको खराब किया तो फिर आप अपने इमाम की वादी में दाखिल नहीं हो पाएंगे अकबर वे वे अम्मार। अम्मार। बहुत बड़े आलिमदीन ईस्फान के कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के साथ एक जगह कहीं उनकी गुफ्तु थी वहाँ पहुँचा रात को मुझे मौका मिल गया उनके साथ तो मैंने मौके को गनीमत जाना मैंने उनसे सवाल पूछा मैंने कहा कि ये मैं कैसे अपने आप को चेक करूँ कि ये जो मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा हूँ मैं सही बढ़ रहा और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इमाम जो है वो मुझसे राजी है कहा ये मैंने उनसे कहा उन्होंने गिरिया शुरू कर दिया रोने लगे और रोते रहे और शदीद गिरिया मैं कुछ बोलना चाहता वो और रोना शुरू कर देता काफ़ी देर गिरी के बाद जब वो चुप हुए तो मैंने उनसे माजरत की मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात ऐसी हो कि जिसने आपके दिल को रंजीदा किया कहा नहीं मैं इस बात पे नहीं रो रहा हा ये जो तुमने सवाल किया है ना कि इमाम तुमसे राजी है या नहीं ये खुद सवाल करना ये बता रहा है कि इमाम तुमसे राजी हैं। वरना ये सवाल तुम्हारे जहन में नहीं आता ये परेशानी जो तुम्हें हो रही है ये जो इसराब तुम्हारे वजूद में है कि मैं इमाम की तरफ बढ़ाऊ के नहीं बढ़ा कहा ये खुद अस्सी फीसद बढ़ चुके हो तभी तो ये ख्याल आ रहा है खूब ये वादी वादी ये तो है यहां यहाँ हम अपने इमाम की वार में वारिद तो हूं असल हम वारिद नहीं हो रहे जिस तरीके से क्यों रुकावटे हैं जैसे मैंने आपको अर्ज किया ये रुकावटों को हमें दूर करना है इन खलवतों में जिक्र को लेकर आना है जिक्र इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है ज़िक्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं है ज़िक्र कल्बी भी है और जिक्र आजाओ जवारे का भी है आजाओ जवारे कोई ऐसा काम ना करें जिसे देखकर कोई कहे कि ये खुदा को नहीं मानता इंसान अपने वजूद से इस तस्वीरों को पेश करे ऐसे हस्तियाँ ऐसे लोग जिनकी वजह से बहरहाल ये कायनात चल भी रही है जाने मातों ये शिद्दत शौक़ इंतज़ार इंसान को कमाल में लेके गया जाता है कितनी शिद्दत है हमारे वजूद में हम अल्लाह चाहते हैं असल हदफ क्या है खुदा से मुलाकात है मुस्लिम बिन सजा शब आशूरा मुस्कुरा रहे हैं अभी भी अपने मज़ाहिर ने उनसे पूछा कि आइए मुस्कुराने की रात तो नहीं है नहीं मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे और खुदा की मुलाकात में चंद सातों का फासला रह गया है कि मुलाकी हूं आ, ये का शौक है कि नहीं है इंसान की जिंदगी गुजरती जा रही है हमारी दाड़ी वाड़ी सब सफेद हो गई बदन भी लागर होना शुरू हो गया है निगाहें भी कमजोर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपनी कबर की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और लोग कहते है, नहीं मोनसा अभी है। अभी कौन से अभी तो आपकी को जाने की नहीं बात जाने की नहीं है जाना तो सबने है ना क्योंकि इनकार तो कोई नहीं कर सकता लेकिन इंसान मुतवज्जे रहे कि मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं और मैंने अभी तक इमाम को नहीं देखा खूब ये कैफियत वो आगे इमाम की अपनी मर्जी इमाम आपको अपना दीदार कराएं ना कराएं ये इमाम की अपनी मर्जी होती है इमाम जिसको तशरफ़ की इजाज़त दे दें वो देख लेता है जिसे ना दें वो नहीं देखता मुकदसर तबेली इमाम की कई मुलाकातें एक जगह सवारी में जा रहे थे इमाम खुद मुक़दस सर तबेली के साथ एक ही सवारी पर बैठे हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम मुकद्दर तबेली के बारे में जानते हो तो अब वो आप कमाल लें अखलास और काम देखें मुकद्दर तबेली कहते हैं कि हाँ सुना है कोई है अभी हमसे पूछ ले कोई हाँ। हमसे कोई पूछे आप मौलाना नसुदारी को जानते हैं हम क्या बोलेंगे क्या हो गया भाई शिया नहीं हो क्या मुसलमान नहीं हो क्या हमारी तो यह हालत है उधर वो क्या कह रहे हैं हाँ सुना है कोई है तभी तो इमाम मुलाकात पे आ रहे हैं जब इंसान अपनी नफी कर दे तभी वो उस आलम में चमकता है इस आलम में नफी हम नहीं कर रहे अपनी हम इस आलम में अपने आप को चमकाने के चक्कर। भाई ये आलम तो खत्म हो जाएगा मुदम हो जाएगा असल तो वो आलम है जहां पर रोशनी की जरूरत है सल आला अब वो अब आप देखें ये हस्तियाँ मुकदर सर दवेली की नमाज में कुएं से पानी निकाल रहे हैं हीरे जवाहरात बाहर आ रहे हैं वापस भेज दिया कहा मुझे बरवार पानी चाहिए फिर दोबारा निकाला तीन दफ़ा कहते निकाला तीरे जवाहरात आए कहा मुझे इस टाइम पानी की ज़रूरत है वो ये क्या है क्योंकि ये जानते हैं उस सजदे की कीमत क्या है हम मैं अपनी बात करू हम ग, मैं गाफिल हूं मुझे नहीं पता मैं मैं उस एक सजदे को अंजाम देने के लिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि देखें सजदा भी हर किसी को नसीब नहीं होता उस सजदे की भी तौफीक तलब करनी पड़ती है कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत करूं ये जो मैं खा रहा हूं ये मेरे वजूद में ताकत दे कि मैं गुना ना करूं कम अज कम इंसान गुनाह कैसे करता है एनर्जी होती है ना उसके अंदर ताकत है तो आदमी के अंदर ताकत नहीं है आँखों में ताकत नहीं है इंसान आँखों से गुनाह नहीं कर सकता इंसान जबान में ताकत नहीं है इंसान किसी को झूठ जूठ किसी को बुरा वाला बोल नहीं सकता ये एनर्जी कहाँ से आती है खाने पीने से आती है लेकिन क्या मैं निवाला लेते वक्त ये कहता हूँ परवरदिगार ये खाना अगर मेरे वजूद में जाए तो मैं तेरे हदूदों को क्रॉस ना करूँ इससे बेहतर है मैं भूखा मर जाऊँ वो शायद क्योंकि हम इस दुनिया के पैसेज को नहीं समझ रहे सही तो शौदा अलतम करबला में जो उतरे हैं कयामत तक इंसानियत को यही तो समझाना चाह रहे हैं कि ये जो जिंदगी है ये बहुत तेजी से गुजर जाएगी और मिलने वाला कुछ नहीं है तुम्हें अगर तुम हमारे पास नहीं आए जो सामने जितने भी थे कुछ नहीं मिला सिवाय लानतों के सिवाय आपके सामने आज दुनिया किस तरह लानत भेजती है खुदा की भी लानत हो उन सब के ऊपर और ये क्यों है और दुनिया बेदार होती चली जाती है खूब ये ज़रूरी है कि अपने आप को हक के इमाम की तरफ मुतव करें फिरों से बाहर आए नफ़रतों से बाहर आएं कोई भी लड़ने लड़ाने की बातें करे उसके आगे हाथ जोड़ लें बोलो खुदा के लिए अल्लाह ने एक नबी को भेजा एक किताब को भेजा एक ही खुदा है हमारा ठीक है हमें उसके करीब जाने दो बस इल्मी फ़र्क है इल्मी बात करें इल्मी गुफ्तगू करें लेकिन अभी तो एक ही इमाम है ना अभी तो कोई इमाम ज़्यादा नहीं है अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुन्नी हो हो हिंदुओं की भी बात किताबों के अंदर है जुरतश की किताबों के अंदर है मसीहियों की किताबों के अंदर है यहूदियों की किताबों के अंदर है कि आने वाला एक ही शख्स है और जब आने वाला एक ही है तो हम लोग क्यों बटे हुए हैं हम उसकी तरफ बढ़ें मुल्क में इंसाफ नहीं है लोग दुआएं करते हैं दुनिया में इंसाफ नहीं है दुनिया में जुल्म हो रहा है ये हो रहा है भाई ये जुल्म कैसे ख़त्म होगा कोई दुनिया की हकूमत इन जुल्म को ख़त्म नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के नुमाइंदे के वो अल्लाह के नुमाइंदे को आप कैसे बुलाएंगे यही तो चाहते हैं कि हम इस मुसीबत का जो जिक्र करना है इसके साथ साथ हमें यह भी जिक्र करना है कि हम शहीदा के खून का बदला भी लेना चाहते हैं बदला तो कैसे लेंगे आप जब तक वो नहीं आएगा जो हकीकी वारिस है कितनी खूबसूरत हवा चल गई उस हकीकी वारिस के नाम के सदके हुए अजान मोहतरम हवाएं भी उसी का इंतजार कर रही हैं ये वजूद कायनात का उसी के कदमों का इंतजार कर रहा है वो है हमें नजर नहीं आता मगर हम जब तक अपने आप को उसके काबिल नहीं करेंगे वो हमारे दरमियान नहीं है हमारी तो आजियत ये है कि हम पता क्या आदमी क्या क्या, क्या कहे गिरफ़्तार है अपने वजूद में गिरफ्तार अभी यहाँ आपके सामने गुरु मंदिर में मिसिंग पर्सन की फैमिलीज बैठी हुई हैं दस पंद्रह लोग हैं आप में से अगर जाते हुए कोई एक सलावाद पढ़ दें तो शायद उन बेचारी फैमिलियों को सहारा मिल रहा है तो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे वो किसी से भी नहीं कर रहे हम इतने बेजर हो, हो गए हैं ऐसा हो गया हमारे सामने बंदा मर रहा होता है तो हम वीडियो बना रहे होते हैं उसके माशरा तो यही आपके सामने जो गिर रहा है मर रहा है उसकी जान बचाने की बजाय सबसे पहले हर कोई मोबाइल बाहर निकालता है ऐसे हम इमाम तक पहुंचेंगे अल्लाह अल्लाहब मातर हो करबला अपना वजूद मांगती है शहीद शहदा ने भी सबसे पहले अपने जिगर के टुकड़े को दिया एक ऐसी अजान हुई है करबला में आज तक वो अजान गूंज रही है चौदह सौ साल हो गए आज भी अली अकबर जवान है जवान है ऐसी अजान दी है अजान ना होती सुबह नहीं होनी थी ये था अल्लाह ने अकबर की आवाज़ में जो तासीर रखी थी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इस अल्लाह अकबर ने यह भी बताया कि बस ये आखिरी अजान है अली अकबर की हाँ जदारा ने मोहतरम इस शख्सियत ऐसी शख्सियत है क्योंकि जब इनको भेजा भी गया तो तो शौदा ने जो जुमले फ़रमाए हैं वो आप सुनते रहते हैं कि मैं अशबाह यानी ऐसा ऐस, ऐसा शख्स भेज रहा हूँ जो रसूल ख़ुदा की शबी है खलक़ में खुल्क में अपने किरदार में अपने अखलाक में और अपनी ज़बान में ख़ुद फरमाते हैं कि जब हम चाहते थे रसूल ख़ुदा को देखना तो हम अली अकबर को देख दे रहे हैं जब हम चाहते थे कि हम अली अकबर की रसूल ख़ुदा की आवाज़ सुने तो हम अली अकबर की आवाज़ और एल हरम को अली अकबर की बड़ी ढारस थी जहाँ भी भी रस्ते में कोई बात पहुँचानी होती थी तो अली अकबर को भेजा जाता था हजरत अली अकबर खुदा हमें करे कि हम अपनी जवानियों को अली अकबर की जवानी पर कुर्बान कर दें रास्ते में आ रहे हैं और एक मकाम पर इमाम की आंख लगी जैसे ही बेदार हुए कहा इन्ना ला है व इन्ना अल्हरा जून हजरत अली अकबर ने कहा बाबा ये जुमला आपकी ज़बान से क्यों जारी हुआ कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा है नादी मुनादी नदा दे रहा है क्या मौत इस कारवान के पीछे पीछे है तजली अकबर का ये जुमला मारे फत जुमला है कहा बाबा क्या हम हक पे नहीं है हाँ नहीं बेटा हम हक पे कहा बाबा क्या फर्क पड़ता है मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े यानी अकबर जानता है मौत रुकावट नहीं है हमने मौत को हराना है मौत हमें क्या रोकेगी बस आजादारा ने मोहतरम रोजे आशूर आई रावी बयान करता है कि हजरत अली अकबर खेमों से विदा करने गए हैं कहते हैं कि खेमे का पर्दा हटा फिर गिर जाता है फिर हटता है फिर गिर जाता है देखा एक छोटी सी बच्ची है जो अली अकबर के पाँव से लिपटी हुई है हजरत अली अकबर आए हजरत अली अकबर को हाल इमाम को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है होनी भी चाहिए ऐसा बेटा हो और किसको उससे मोहब्बत ना हो इमाम जाफे सादे फरमाते हैं कि बेहतरीन लज्ज़तों में सबसे बड़ी लज्जत यह है कि इंसान का बेटा जवान हो जाए और फिर कामयाब हो जाए और कहा सख्त तरीन मुसीबत ये है कि बेटा जवान हो जाए और फिर उसके बाद वो दुनिया से चला जाए इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को सवार किया हजरत अली अकबर चले हैं मकातिल भी बयान करते हैं जो आप आशार में सुनते हैं मकातिल भी इस बात को बयान करते हैं कि इमाम ने हजरत अली अकबर से ये कहा है कि बेटा जितना मुमकिन हो सके ना जाते वक्त मुझे देखते हुए जाना अल्लाह खुदा आपके जवानों की हिफाजत करे जिसका जवान बेटा होता है उसे थोड़ा महसूस करना चाहिए कि मैं अपने जवान को खुदा की राह में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता ये आसान नहीं है करबला का वो शख्स जो हर वक्त जरी पे दुआ करता था कि मेरा मुझे अल्लाह बेटा दे जवान हो फिर मर जाए आलिम कहता था कैसी दुआएं करता है बेटा भी चाहिए जवान भी चाहिए फिर मर भी जाए कहा मुझे पता चला उसका बेटा हुआ बड़ा हो गया अचानक से बाजार में आवाज़ आई उसका बेटा मर गया मैं दौड़ता हुआ गया मैंने कहा देखूँ तो सही है दुआ क्यों मांगता था मैंने देखा अपने जवान बेटे के बदन पे बैठा हुआ है कहा ये तू दुआ क्यों मांगता था कहा मैं ये देखना चाहता था इमाम हुसैन जवान लाशे से खड़े कैसे हुए अल्लाह अकबर मोहतरम मुड़ मुड़ के अली अकबर मैशर लखी साहब खुदा उनके दर्जा बुलंद फरमाए इन में यकीन वहां आजादारी कर रहे होंगे मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर ने मोहत्तर अजली अकबर हैदर करार के पोते हजरत अब्बास के भतीजे जंग बहुत की जंग बहुत की दुश्मन को जो है वो पलट दिया लेकिन दरमियान में वापस आए बहुत कम लोग जो वापस आए बहुत कम मक्तल में मिलता है कि कोई लड़ने गया हो और वापस आया हो हजरत अली अकबर वापस आए आकर अपने बाबा से कहा बाबा इस लिबास लोहे का लिबास था इसकी हिद्दत जो उसकी गर्मी है और प्यास की शिद्दत मुझे मारे देती है बाबा अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो मैं बताता जंग किसे कहते हैं अब आप अपने अपने दिल पे हाथ रखे अदारा ने मोहतरम क्या हजरत अली अकबर को पता नहीं था कि बाबा के पास पानी नहीं है फिर क्यों आए फिर ये बात क्यों है अल्लामा बयान करते हैं असल में बाप बेटे को मोहब्बत बड़ी थी ये मोहब्बत जाने नहीं दे रही थी कहते हैं इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर के जबान में दान में अपनी जबान मुबारक को रखा हजरत अली अकबर ने चीख मारी है कहा बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है मैं कहूंगा जनाब अली अकबर आपके बाबा ना जाने कितने दिनों से प्यासे होंगे कहा अकबर जाओ देर हो रही है जाओ आज मोहतरम हजरत अली अकबर गए और जिस तरह कर सकते थे लड़े जवान है पुछ से एक नेज़ा आया जो कमर में पेबस्त हुआ उसने पैबस्त होना था हजरत अली अकबर अपना तवाजुन खो बैठे और अपने हाथों को अपनी सवारी पे डाल दिया उसके बाद मक्तल क्या कहता है मक्तल कहता है कि इन्होंने तलवारों से इरबन इरवा, इन्होंने टुकड़े टुकड़े किया है अली अकबर को बस अब जहाँ जहाँ ये घोड़ा जाता था वहाँ तलवारें लगती रहीं बस आजादाराला ने मोहतरम हजरत अली अकबर गिरे हैं हजरत अली अकबर ने अपने बाबा को पुकारा है बाबा मेरा सलाम हो अब नहीं पता किस तरीके से हुसैन अपने बेटे के बदन पर आया बस कहते हैं पहुंचे हैं किस तरीके से बैठे हैं हजरत अली अकबर मक्तल कहता है इमाम हुसैन ने अपने चेहरे को अली अकबर के चेहरे पर रखा बस फिर खामोशी हो गई बात समझे कि हमने एक तीर में दो निशान कर लिए हों मगर मेरे मौला बैठ कर कहते हैं वाला दी मेरे बेटे अली अकबर बसि میں बाज कहते हैं कि बीबी जैनब से रहा नहीं गया, उससे पहले कभी खेमों से बाहर नहीं निकली थी अली अकबर की खातिर खैमे से बाहर आई मगर इमाम हुसैन से अपने बच्चे का जनाजा ना उठाया गया बनी आशे भाओ अली अकबर के वतन को